हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फिटबुक का चैप्टर नंबर 10, द बुक दैट सेव द अर्थ। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स, रीड एंड फाइंड आउट, थिंक अबाउट इट एंड टॉक अबाउट इट, सभी क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीड एंड फाइंड आउट से। पेज नंबर 63 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या पूछा हमें, वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। क्वेश्चन में पूछा है कि जो 20th सेंचुरी है इसे एरा ऑफ द बुक क्यों कहा गया है, क्योंकि ये वो टाइम था 20th सेंचुरी वाला। इस टाइम हर एक चीज़ के लिए बुक हुआ करती थी, हर एक चीज़ के बारे में ना बुक में ही सब कुछ लिखा हुआ मिलता था, इसीलिए 20th सेंचुरी को बोला है एरा ऑफ द बुक। क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, द 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक बिकॉज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। हर एक बात के लिए बुक हुआ करती थी, फ्रॉम एंटेटस टू जुलुस, बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड वेन टू एंड वेयर टू एंड बाय। बुक्स जो है वो लोगों को सिखाती है कि कब कहाँ कैसे क्या हुआ था, ठीक है। बुक्स जो है वो इलस्ट्रेटेड होती है, पंक्चुएटेड और इवन डेकोरेटेड। डेकोरेटेड कैसे, पिक्चर्स वगैरह लगे हुए होते हैं बुक में, तो हम बोल सकते हैं कि डेकोरेटेड भी होती है। तो यही सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से 20th सेंचुरी को क्या बोलते हैं, एरा ऑफ द बुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड एंड फाइंड आउट का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 63 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, हु ट्राइड टू इन्वेट द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। क्वेश्चन में पूछा है कि 21st सेंचुरी में किसने ट्राई किया था अर्थ को इन्वेट करने का, इन्वेट आक्रमण करने का। तो इसका आंसर होगा मार्शियंस, ठीक है। मार्शियंस ट्राई टू इन्वेट द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। जो मार्स प्लैनेट पर रहने वाले लोग थे उन्होंने ही ट्राई किया था इन्वेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 65 का है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा है, व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। क्वेश्चन में पूछा है कि जो थिंक टैंक थे उन्होंने जैसे ही अर्थ पर बुक देखी थी, उन्हें जो बुक मिली थी उसे देखने के बाद वो क्या गेसेस लगाते हैं कि ये क्या हो सकती है। तो इसका आंसर होगा, द थिंक टैंक इनिशियली गेसेस दैट द बुक्स आर सैंडविचेस। सबसे पहले वो क्या गेस करते हैं कि ये जो बुक है वो क्या है, सैंडविच है, क्योंकि अर्थ के लोग काफ़ी ज़्यादा सैंडविचेस खाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सैंडविच है। फिर नूडल जो है वो करेक्ट करते हैं उन्हें, कैसे करेक्ट करते हैं देखते हैं। करेक्ट हिम एंड सेज दैट ही थिंक्स दैट द बुक्स आर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। नूडल सोचते हैं कि ये जो बुक है ये सैंडविचेस नहीं हो सकते, ये क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, हम इनके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन ही थिंक्स दैट द बुक्स आर यूज फॉर ईयर कम्युनिकेशन। फिर वो लोग क्या सोचते हैं कि ये जो बुक है ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए, हम सुन सकते हैं इसे। फाइनली वो कंक्लूड करते हैं कि वो जो बुक है ये आई कम्युनिकेशन के लिए, मतलब आंखों से इसे रीड किया जाता है। तो इतने सारे गेसेस वो करते हैं बुक को देखने के बाद अर्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थिंक अबाउट इट पेज नंबर 74 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें पूछा है, नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट हिज मिस्टेक, हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट। अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो नूडल थे वो अवॉइड करते हैं थिंक टैंक को ऑफेंडिंग करना, ऑफेंडिंग मतलब हर्ट करना, बट एट द सेम टाइम वो थिंक टैंक की मिस्टेक को करेक्ट भी करते हैं। तो क्वेश्चन किया है, हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट, तो वो कैसे मैनेज करते हैं ये दोनों बातों को, वो कैसे हैंडल कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा, नूडल अवॉइड ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट हिज मिस्टेक। यहाँ तक तो क्वेश्चन में इसे लिखना है, यहाँ से आंसर शुरू होता है। इच टाइम, हर टाइम नूडल क्या करते हैं, ही थिंक्स दैट थिंक टैंक इज़ रॉन्ग। उन्हें हर टाइम लगता है कि भाई थिंक टैंक जो है वो गलत वे में जा रहे हैं। तो सबसे पहले नूडल क्या करते हैं, ही फर्स्ट एडुलेट थिंक टैंक एंड देन प्रेजेंट हिज ओन थॉट। पहले तो वो एडुलेट मतलब तारीफ बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रशंसा करते हैं थिंक टैंक की, जो भी उन्होंने सोचा है। हाँ, उनका तो सोचना जो है वो गलत ही है, बट वो तारीफ़ करते हैं, फिर अपने थॉट रखते हैं, बोलते हैं दैट दे आर जस्ट इनसिग्निफिकेंट पीस ऑफ डेटा इन ही सेट। नूडल क्या बोलते हैं कि मेरे दिमाग में एक इनसिग्निफिकेंट पीस ऑफ डेटा है। इनसिग्निफिकेंट मतलब कोई काम का नहीं है, एकदम फालतू सा है, ठीक है।
In this way, he lets think tank know what is correct and does not make him feel that he is being corrected. तो इस तरीके से देखो, क्योंकि नोडल क्या बोल रहा है, जो मेरे दिमाग में आइडिया है, जो मैं सोच रहा हूँ, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, फालतू सा है, लेकिन सुनाते थिंक टैंक को. तो इससे क्या होता है ना कि थिंक टैंक को लगता है कि ये जो आइडिया है नोडल को बिल्कुल बेकार सा लग रहा है, बट मुझे पता चल चुका है कि ये बहुत काम का है. तो इस तरीके से थिंक टैंक को लगता है कि किसी ने मुझे करेक्ट नहीं किया, ये मेरा ही दिमाग है. तो इस तरीके से नूडल क्या करते हैं, थिंक टैंक के मिस्टेक को करेक्ट करते हैं, और थिंक टैंक को भी नहीं लगता कि उन्हें करेक्ट किया गया है. तो इस तरीके से हैंडल करते हैं नूडल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थिंक अबाउट इट, पेज नंबर 74 का सेकेंड क्वेश्चन. देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है. इफ़ यू वर इन नूडल्स प्लेस, हाउ वुड यू हैंडल थिंक टैंक्स मिस्टेक. क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आप नूडल्स के प्लेस पर होते तो आप थिंक टैंक की मिस्टेक को कैसे हैंडल करते. इसका आंसर होगा, इफ़ आई वर इन नूडल प्लेस, आई वुड ट्राई टू पोलाइटली करेक्ट थिंक टैंक्स मिस्टेक एंड सजेस्ट करेक्शन. तो मैं क्या करता, पोलाइटली करेक्ट करता थिंक टैंक की मिस्टेक को और सजेस्ट करता जो भी करेक्शंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है, डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कैन वी डू अवे विद बुक्स ऑल टुगेदर. क्वेश्चन में पूछा है कि क्या आप ऐसा सोचते हो कि बुक्स को रिप्लेस किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने. एक और क्वेश्चन है, कैन वी डू अवे विद द बुक्स ऑल टुगेदर, कि क्या हम बुक से दूर रह सकते हैं. ऐसे दो क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यस होगा, बुक को रिप्लेस किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने. इसका आंसर लिखेंगे यस, बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विद द इमर्जेंस ऑफ डिजिटाइजेशन. कैसे हुआ, डिजिटाइजेशन की इमर्जेंस की वजह से. वी नाउ हैव ई बुक्स एंड ऑनलाइन क्लासेस. अब हमारे पास है ई बुक्स और ऑनलाइन क्लासेस है, जिनके लिए पेपर बैक बुक तो लगती ही नहीं है. ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन था कि क्या हम बुक से दूर रह सकते हैं. इसका आंसर होगा नो, आई डोंट थिंक दैट वी कैन डू अवे विद बुक्स ऑल टुगेदर. हम बुक से दूर नहीं रह सकते. क्यों, बिकॉज ऑल्दो देयर इज़ अ टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बुक्स स्टिल हैव देयर ओन इम्पॉर्टेंस. मतलब भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इम्पॉर्टेंस बढ़ चुका हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने रिप्लेस किया हो बुक्स को, बट बुक का जो इम्पॉर्टेंस है वो आज भी है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु लव टू रीड बुक, जिन्हें बुक रीड करना काफ़ी पसंद है. द फिल एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ रीडिंग अ बुक वाइल होल्डिंग इट इन योर हैंड्स एंड टर्निंग इट्स पेजेस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट ई बुक विल नेवर बी एबल टू रिप्लेस. मतलब बुक को हाथ में पकड़ना, पेजेस टर्न करना, ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये जो एक्सपीरियंस है, इसे ई बुक रिप्लेस नहीं कर सकता. ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा नो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थिंक अबाउट इट का फोर्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा है, why are books referred to as man's best companion. क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बुक को क्यों रेफर किया है मैन का बेस्ट कंपेनियन. कंपेनियन मतलब साथी, फ्रेंड, क्यों कहा गया. इसका आंसर है, बुक्स आर रेफर टू एज मैन्स बेस्ट कंपेनियन बिकॉज, इसके रीज़न है, दे गाइड अस, क्योंकि बुक क्या करते हैं, एक फ्रेंड की तरह हमें गाइड करते हैं. ठीक है, अच्छा रास्ता दिखाते, टीचर्स हमें सिखाते हैं, मेक अस लाफ, हमें हंसाते भी है, जैसे कि हमारे बाकी फ्रेंड्स करते हैं. मेक अस क्राई, कभी कभी तो हम ऐसी कुछ चीज़ें होती है बुक में लिखी जिन्हें रीड करने के बाद कभी कभी रोना भी आता है. मेक अस इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट मतलब खुद का निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण करना, ये भी करते हैं हम बुक रीड करने के बाद. एंड हेल्प अस टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ, और हमें हेल्प करते कि हम आज जैसे हैं, अभी जैसे हैं, हम इससे भी खुद का बेटर वर्जन बनाएं. इसमें भी हेल्प मिलते हैं हमें बुक से. बुक्स आर कंपेनियन हु विल नेवर लीव अस, और बुक एक ऐसा साथी है, हमारा कंपेनियन है, जो हमें कभी नहीं छोड़ सकता अगर हम बुक से फ्रेंडशिप करते. बाकी सारे फ्रेंड अगर है ना हमारे लिविंग थिंग, वो तो हमें छोड़कर जा सकते, बट बुक नहीं जा सकते. दे इम्पार्ट नॉलेज एंड विजडम. इम्पार्ट मतलब देना, प्रदान करना. तो बुक हमें क्या देते, नॉलेज देते, ज्ञान देते, विजडम बुद्धि देते हैं. We can learn from them, हम उनसे सीखते हैं, enjoy करते हैं और inspired भी होते हैं. इसीलिए book को क्या बोला गया है, man का best companion भी बोला गया है. Next question देखते हैं, talk about it, 74 page number का question number 2. अब यहाँ पे हमें पूछा है, the aliens in this play
speak English. Do you think this is their language? What could be the language of the aliens? क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो आपका चैप्टर है एक टाइप का प्ले ही है, नाटक है, जिसमें एलियन क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं. तो क्या आप ऐसा सोचते कि उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है? What could be the language of the alien? अगर English language नहीं है उनकी, तो फिर उनकी language क्या हो सकती है? So इस question का answer होगा No, I don't think that English is their language. देखो, हम ऐसा नहीं सोचते कि English उनकी language है. इसका reason भी है. कैसे? Because they are not able to understand what is written in the book Mother Goose. क्योंकि Mother Goose book में क्या मदर गुस बुक में क्या लिखा है ये तो उन्हें समझा ही नहीं था, है ना. और वहाँ पे तो इंग्लिश में ही लिखा था. दे थिंक द वर्ड्स आर कोड्स रिटन इन लिटिल लाइंस एंड स्क्विगल्स एंड डॉट. वो क्या सोचते हैं कि ये कोडिंग लैंग्वेज है, कोड्स में लिखा हुआ है. तो इंग्लिश तो उनकी लैंग्वेज नहीं हो सकती. एक और क्वेश्चन था, उनकी लैंग्वेज क्या होगी फिर? तो इसका आंसर है एज इज एलियंस आर मार्शियन, दे माइट हैव मार्शियन लैंग्वेज. क्योंकि वो जो एलियंस है वो मार्शियन है, तो उनकी लैंग्वेज भी क्या होगी? मार्शियन लैंग्वेज. नेक्स्ट.